अब बाजार का टेस्ट घर पे खाना हुआ आसान, बनाना हुआ आसान, क्योंकि मेरे किचन में जो दिखता है वही बनता है। तो चलिए आज बनाते हैं आम पापड़ की रेसिपी। तो आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। चलिए आज मैं आपको बाजार में मिलने वाला आम पापड़ की रेसिपी बताती हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही जल्दी बनने वाला है बिना किसी मेहनत के। इसमें हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं होती है। जैसे कि अभी मैंगो का सीज़न है, तो आप इजीली अपने घर पर आम पापड़ बना सकते हैं। इससे पहले आज मैं अपनी रेसिपी बताना शुरू करूं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि मेरी हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप भी उस रेसिपी को ट्राई करके मुझे बता सके कि आपको वो रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए अपनी आम पापड़ की रेसिपी शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ सफ़ेदा आम लिया है। इस टाइम बाज़ार में बहुत इजीली मिल जाता है। ये बिल्कुल टाइट मैंगोज़ हैं, जिसको मैंने छील के अच्छे से काट लिया है, क्यूब्स फॉर्म में काट लिया है इसको। अब हम इसको एक मिक्सी के जार में डाल देते हैं और एक फाइन पेस्ट बना लेते हैं। अपने मैंगोस का हमने एक प्यूरी बना ली है। इसको एक गरम पैन में हम सारे प्यूरी को निकाल लेंगे। इसमें हम 1 से 2 टेबलस्पून शुगर पाउडर ऐड करेंगे और इसको हम लो फ्लेम पर ही कॉन्टीन्यूसली स्टर करते हुए 20 से 25 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। इसको हम कॉन्टीन्यूसली स्टर करेंगे और इसको गाढ़ा होने तक कुक करेंगे। इससे पहले जिन्होंने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लिंक आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके, क्योंकि मेरी किचन में जो दिखता है वही बनता है। कोई भी एडिटिंग या कुछ नहीं करती हूँ, जो आपके सामने दिखा रही हूँ वैसे ही बनता है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती है। इसको आप कॉन्टीन्यूसली स्टर करते रहिए, नहीं तो ये उछलने लगती है हमारे मैंगो प्यूरी जो है। और इसको बिल्कुल थिक होने तक हमें कुक करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देते हैं, जिससे कि हमारे मैंगो का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए और बाजार में मिलने वाले आम पापड़ की तरह टोन आ जाए। देखिए हल्का सा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी भी ये इजीली फिसल रहा है हमारे स्पैचुला के ऊपर से, तो इसको हम थोड़ा सा और कुक हो करते हैं। हमारी मैंगो प्यूरी जो है वो पैन से अलग होना स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी हम इसको 5-10 मिनट और कुक करेंगे। हमारी प्यूरी एकदम गाढ़ी हो गई है, ये देखिए इजीली ड्रैग नहीं कर रही है हमारी स्पैचुला से। और अब हम अपनी गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं। जब तक हमारी मैंगो प्यूरी अपनी रूम टेम्परेचर पे आती है, तब तक हम थोड़ा सा अपनी प्लेट को ग्रीस कर लेते हैं। इसमें आप घी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखिएगा, नहीं तो हमारे जो पापड़ है, आम पापड़ है, वो ईजिली नहीं निकलेगा। इसको अच्छे से फैला लेते हैं। अपनी मैंगो प्यूरी को हम अपनी प्लेट के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। इसकी थोड़ी मोटी लेयर रखिएगा, नहीं तो उतारते में आपको परेशानी होगी। इसको हल्का सा टैप करते हुए हम 2 या 3 दिन की धूप लगा के इसको सूखने देते हैं। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती हो तो आप पंखे की हवा में भी इसको सुखा सकते हैं, और लेकिन आपको 1 दिन पालतू रखना पड़ेगा और धूप में 2 से 3 दिन। तो मिलते हैं 2-3 दिन बाद। हमारा आम पापड़ 2 से 3 दिन की धूप लग के अच्छी तरह से सूख गया है। अब हम इसको प्लेट से निकाल लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल इजीली हमारा आम पापड़ प्लेट से अलग हो जाता है। अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ के साथ इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए, लिंक आपकी स्क्रीन पर
शो हो रहा है। ये देखिए कितना सुंदर आम पापड़ है। अब हम इसको काट लेते हैं। यहाँ पहले हम इसके कॉर्नर्स काट लेते हैं जिससे कि एक इवन शेप हमारे आम पापड़ की आ जाए। कुछ इस टाइप से। और इसको अब हम स्क्वायर शेप में कट कर लेते हैं। हमारा बाजार में मिलने वाला आम पापड़ घर पे बनकर बिल्कुल तैयार है। आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना।